नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले अतिथि शिक्षक के संबंध में। अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप पहले से अतिथि शिक्षक हैं तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, ये सभी आज नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है तो आपको यहाँ पर किस तारीख को ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, यह सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और अगर आप नए नए तरीके से आप अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बस आपको पता ही है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से ये दिनांक 24/7/2023 को प्रकाशित कर दिया गया था नोटिफिकेशन। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संदर्भ में ये है नोटिफिकेशन। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में आमंत्रित अतिथि शिक्षक को संचालनालय के संदर्भ पत्र क्रमांक पत्र दिनांक 5/7/2023 के अनुसार आमंत्रित किए जाएं। कविता संकुल विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर रिक्तियों के अपडेशन एवं जिले द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, अतः रिक्तियों के अपडेशन है तो आमंत्रित हो जाइए। तो यहाँ पर GFMS से पोर्टल पर आप रिक्तियां कब से देख सकते हैं, 28 जुलाई 2023 से आप रिक्तियां उसमें दिख जाएगी। संकुल में से 26 तारीख तक, 26 जुलाई को रिक्तियां प्रकाशित कर दी जाएगी जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी 28 तारीख तक अपडेट करवा देंगे GFMS पोर्टल पर, तो वहां से आप रिक्तियां देख सकते हैं। और जो पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में, कि जो पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं ऐसे विद्यालय पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को संचालनालय के संदर्भ पत्र दिनांक 5/7/2023 के अनुसार आमंत्रित कर सकते हैं। 31/7/2023 तक अनिवार्य रूप से GFMS पोर्टल पर उन्हें दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं, अतिथि शिक्षकों के पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 28 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। संस्था प्रमुख द्वारा रिक्त पदों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर आवेदन प्राप्त करना 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर AMD की बैठक यहाँ पर 31 को होगी। मेरिट रूम में अतिथि शिक्षक आमंत्रण विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे 1/8/2023 से, और GFMS पोर्टल पर आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना है 5/8/2023 तक आप उपस्थिति कर देना है। अतिथि शिक्षकों के आवेदन के सत्यापन किए जाने की अंतिम तिथि नहीं है, कोई अंतिम तिथि नहीं है, अब जब चाहे जब अपने सत्यापन करवा सकते हैं स्कोर कार्ड के, ठीक है। अतः संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक के मूल दस्तावेजों का मिलान कर तत्काल सत्यापित की कार्रवाई की जाए। शिक्षा पैनल शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु जिन विद्यालय में पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ऐसे विद्यालयों की रिक्तियों के प्रमुख सम्मुख 9 पैनल लिखा प्रदर्शित होगा। आवेदक ऐसे विद्यालय में बिंदु क्रमांक 3 में अंकित समय सारणी अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कार्य कर चुके ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा शासकीय विद्यालय में न्यूनतम 72 दिवस कार्य किया गया तथा स्कोर कार्ड में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण 25 अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, ऐसे आवेदक संदर्भ पत्र क्रमांक 4/7/2019 में दिए गए प्रारूप में यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको क्या कुछ यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आज ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, और आप अतिथि शिक्षक है तो आवेदन 28 से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि मैंने बताया, नोटिफिकेशन द्वारा बताया गया था कि आपको जो GFMS पोर्टल से स्कोर कार्ड वेरीफाई करवाने के लिए जो संकुल में जाना पड़ता है तो उसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। जब भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे कार्यरत दिवस में, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होइए, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।